नीचे दिए गए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स वो भी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक 24 में। मैं मन कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक टाइप का एरर आता है जो कि इंडेक्स ऑफ का एरर है, आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये काफ़ी इजी है यार, मतलब इतना इजी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना इजी है इसको ठीक करना। ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है दोस्तों। और ये किसी को भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ये मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए, कुछ भी मिस करोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरे एंड तक देखिएगा, तभी आप ये सीख पाओगे कि इस एरर को कैसे आप ठीक कर पाए। तो देखते रहिए टेक 24। दोस्तों देखो, अगर आपके भी आपके सामने भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ आ रहा है और आपकी फाइल्स शो हो रही हैं ऐसे, अगर आपका वर्डप्रेस नहीं खुल रहा है या फिर आपकी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है, आपकी वेबसाइट में इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ आ रहा है और ये फाइल्स ओपन हो रही हैं ऐसे करके, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपना सी पैनल खोलना है। तो यहाँ पर मैंने अपना सी पैनल खोल लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सी पैनल में सबसे आपको इसमें जाना है फाइल मैनेजर में। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे फाइल मैनेजर पर, और फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक दिखेगा पब्लिक HTML, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है पब्लिक HTML पे। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आपकी बहुत सारी वेबसाइटें हैं तो आपको जो वेबसाइट में ऐसा एरर आ रहा है आपको उस वेबसाइट के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट earningareas.com, आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी .htss, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देना है। और जब आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा खुलेगा, उसके बाद आपको दोबारा एडिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब भी आप एडिट पे क्लिक कर दोगे आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे यहाँ पे नंबर 1 पे आपको एक कोड डालना है जो कि है ये डायरेक्टरी इंडेक्स और उसके बाद स्पेस फिर index.php। बेसिकली ये इसलिए ही एरर आता है क्योंकि हमारा index.php फाइल सर्वर को नहीं मिलती। तो हम इसको बता देते हैं कि कहाँ पे है हमारी index.php फाइल। तो अब इसको क्या करना है, आपको ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधा कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको क्लोज पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार, और यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस आ गया है वापस से, ठीक है। पर दोस्तों अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको ये .htss फाइल मिले ही ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये फाइल नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, शो हिडन फाइल्स। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है शो हिडन फाइल्स और सेव पे क्लिक कर देना है। तो अगर आप में आपकी ये .htss फाइल हिडन होगी तो आपके सामने आ जाएगी, फिर आप उसे एडिट कर लीजिएगा। पर किसी किसी के पास क्या होता है कि .htss फाइल होती ही नहीं, चाहे वो आप उसे शो भी करोगे तो भी वो नहीं दिखती। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल एक फाइल पे यहाँ पे देखिए यहाँ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको खुद ही क्रिएट कर लेना है .htss फाइल। तो आपको यहाँ पे डालना है डॉट, उसके बाद लिखना है .htass, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे देखिए .htss यहाँ पे लिख के क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक करके फिर वही सेम मेथड करना है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट के फोल्डर में जाके ये .htss फाइल ढूंढ के पता नहीं क्यों मैं फबलिंग कर रहा हूँ इतनी, तो ढूंढ के उसको आपको एडिट कर लेना है। अगर आपके पास मल्टीपल नहीं, आप सिंपल एक वेबसाइट रन कर रहे हो तो आपको सेम यहीं पे होम पेज पे ही आपको यहाँ पे .htss फाइल मिल जाएगा, और ना मिले तो आपको मैंने बताइए क्या करना है, सेटिंग में जाके शो हिडन फाइल्स पे क्लिक करके चेक करना है कि कहीं फाइल हिडन तो नहीं। अगर हिडन फाइल्स पे क्लिक करने के बाद भी फाइल नहीं आती सामने तो आपको खुद ही एक फाइल क्रिएट कर लेनी है और वो कोड पेस्ट कर देना है, तो आपकी जो इंडेक्स ऑफ एरर की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो अपने इंडेक्स ऑफ एरर की प्रॉब्लम
शॉर्ट आउट। तो देखा दोस्तों कितना इजी था इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना, और अब फालतू में इतनी प्रॉब्लम में आ रहे थे, इतनी टेंशन ले रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो देख इतनी बस एक छोटा सा कोड ही तो पुटअप करना था, तो कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है, और वो गुड न्यूज ये है कि इस चैनल पे चल रहा है बहुत बड़ा गिव अवे होस्टिंग चैट की तरफ से। वो आपको दे रही है 10 साल के लिए वेब होस्टिंग फ्री, मतलब कि बिलीव कर सकते हो 10 साल के लिए होस्टिंग फ्री, और ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड पैकेज वाली होस्टिंग है। यहाँ पे आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा, जितनी मर्जी वेबसाइट है इस पर होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड माई सीक्वल्स, अनलिमिटेड डेटाबेस वगैरह 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 सब कुछ अनलिमिटेड है। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छी फास्ट वेब होस्टिंग फ्री में 10 साल के लिए, तो आपको उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आप विनर भी बन सकते हो। तो उसमें गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो सब मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाइए और काफ़ी ऊपर चलाइए मेरा, हाँ उस लिंक पे जाइए और क्लिक करके वो वीडियो देखिए और गिव अवे में पार्टिसिपेट करिए। और ये गिव अवे इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 10,000 की फैमिली हो चुके हैं, हमारी इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं, 10,000 सब्सक्राइबर्स मतलब 10,000 के हम फैमिली बन चुके हैं। इसलिए आपके लिए छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, 10 साल की वेब होस्टिंग फ्री। तो फटाफट जाइए उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लिए इससे पहले कि गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस हो जाए। और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, लाल कलर का, उस पर जरूर क्लिक कर देना और बेल आइकन पे दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरी ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को भी शेयर करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को भी आप शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो, और आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सफाई बनाए रखिए अपने आसपास, और अपने अपनों का ध्यान रखिए। आपके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।